लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई फायदा नहीं है रोने धोने से। हमने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम हमारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दोगी तो ऐसा कभी नहीं होगा उर्मिला। एक बार, बस एक बार ऋषि घर वापस आ जाए फिर मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। माँ जी, आपको क्या लगता है मुझे ताने देने से ऋषि घर वापस लौट आएगा? तो दीजिए ना, और ताने दीजिए मुझे, क्योंकि मैं भी यही आस लगाए हूँ कि ऋषि घर वापस कब आएगा। भगवान से की गई पूजा अर्चना से तो कुछ नहीं हुआ, शायद आपकी इन बातों से ही कुछ हो जाए। वारा त्रिया चरित्र, खुद सारा जाल बुनकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक बार ऋषि घर वापस आ जाए फिर ऐसा इंतजाम करूंगी कि तू भी याद रखेगी। बबुआ, जी भर के खाना खाए ना, मजा आया ना? हैं? अरे जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी सूरत बिल्कुल भुने हुए मुर्गे की तरह थी। हैं? अब देखो तुम्हारा चेहरा कैसा हरिया गया है बिल्कुल। हैं? यहाँ यही है, मजा आता है बहुत। खाने पीने का कोनो दिक्कत नहीं, खूब खाओ, जी भर के खाओ। लेकिन बबुआ, एक बात बताओ तुम, ये सुजाता वाला क्या लफड़ा था यार? अच्छा, तो तुमने ये भी पता लगा लिया है? हमने सब पता लगा लिया है कि सुजाता के पति हेमंत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, उसी ने फंसाया था तुम्हें। मत याद दिलाइए उसे, उसी की वजह से मैं घर से बाहर हूं आज। लेकिन ये लफड़ा था क्या है? देखो, मुझसे कुछ छिपाना नहीं, अगर तुम्हारा दिल वो सुजाता पे आया ना तो बताओ ना, हम उसको बुलवा सकते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, आप जैसा मुझे समझ रहे हैं मैं वैसा हूं नहीं। अरे लेकिन तुम्हारे घर वाले तो यही समझते हैं कि तुमने सुजाता के साथ ज्यादती की थी। झूठ है ये, मैंने सुजाता के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। फिर भी इल्जाम लगा ना? अरे बेगुनाह हो के भी इल्जाम सिर पे ले लिया, क्या फायदा हुआ? अरे मजा तो तब है कि गुनाह करो फिर इल्जाम भी लगे बगैर गुनाह किए। कहो तो बुलाऊं? मैंने नहीं बोला ना। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रखना है, अब तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि बोरियत मिटाने के लिए कुछ सामान है, है? प्लीज प्लीज, आप मुझ पर इतनी मेहरबानी मत कीजिए प्लीज। अरे वो बेचारी भी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अरे अपने पति के अत्याचार में बेचारी रो रही है, उसे तुम्हारा साथ मिल जाएगा, एक नई जिंदगी मिल जाएगी, फिर दोनों हैं। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस काल कोठरी से आप मुझे बाहर जाने देंगे या नहीं? काल कोठरी? अरे तुम हमारे स्वर्ग को काल कोठरी कह रहे हो? इधर आओ बबुआ, इधर आओ, तुम बैठो, हम झूला झुलाते हैं तुमको। अरे तुम हमारे घर को काल कोठरी कहते हो? अरे हम कल ही तुमको ले चलते हैं सुबह लंच में किसी बहुत बड़े होटल में, खाना खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे। बस एक ही चीज मत करना बबुआ, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो वो जो मुर्गे के साथ कुछ करते हैं ना, है? समझ गए ना? याद रखना, मदन तिवारी नाम है हमारा, मदन तिवारी जो सबसे भारी। अनिरुद्ध, पुलिस स्टेशन गए थे ना, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन जाकर मैंने इंस्पेक्टर को ऋषि की तस्वीर दे दी है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो जल्द से जल्द ऋषि को ढूंढ निकालेंगे। अब तो सारे शहर को पता चल जाएगा।
हाँ माँ, जो बदनामी होनी है वो तो होकर ही रहेगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमारे परिवार पे उंगली तक उठाई हो। अब तो जगह सही होगी, लोग तरह तरह के ताने देंगे, लोगों के सामने तो हमारा निकलना बैठना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि ऋषि घर छोड़कर क्यों गया? अब भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा माँ। तुम्हें भी तो अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। उर्मिला ने भड़काया और तुम भड़क गए। ऐसी बात नहीं है माँ, मेरा गुस्सा गलत नहीं था। गलत नहीं था तो फिर भुगतो। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इससे बड़ी अनहोनी और क्या हो सकती है माँ, कि ऋषि ने अपने गुस्से के आगे हमारे लाड़ प्यार सारे रिश्तों को ठोकर मार दिया। माँ, क्या ये वही ऋषि है जिसके बीमार होने पर मैं उसे अपनी गोद में लेकर पूरी रात टहलता रहता था? इसी ऋषि पर मैंने अपनी भविष्य की आस लगाए बैठा था। उसी ऋषि ने हमारे वर्तमान को ठोकर मार दी। इतना पत्थर दिल, इतना कठोर हो गया है ये ऋषि? क्या वो ये नहीं जानता कि उसके पापा उसके बगैर जी नहीं सकेंगे? 8 सालों बाद वो मुझे मिला है और इस तरह छोड़कर चला गया। अनिरुद्ध, हौसला रखो बेटा। क्या हौसला रखो माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा है। देखो, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप देना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई राह निकालेगा बेटा, उस पे भरोसा रखो। तुम ठीक कह रही हो माँ। अब तेरे अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया बहन। जिस तरह तूने खून के आंसू बहाए हैं, वैसे ही चौधरी खानदान को ना रुलाया तो मेरा नाम भंडारी नहीं। ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने? चौधरी खानदान के पास पूरा समुंदर है, मैंने 2 बूंद पानी का ले लिया, उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक एक बात का बदला लूंगा मैं बहन। अब तो भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। तेरा बेटा ऋषि, मेरा भांजा, अब हमारे साथ है। ये वो चिंगारी बनेगा चौधरी खानदान को जलाकर राख कर देगा, उनका नामो निशान मिटा देगा। तेरे एक एक आंसू का बदला लूंगा मेरी बहन। तेरे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। चौधरी खानदान की तबाही के लिए मैं इंडिया आ रहा हूं, बस कुछ दिन और। अरे तुम लोग इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? चलो मैं तुम लोग को खाना लगा देती हूँ। हमें नहीं खाना। क्यों? अब तुम लोग को क्या हो गया है? हमें भूख नहीं है। क्यों? क्यों भूख नहीं है? इस वक्त तो तुम लोग खाना खाकर सो भी जाते हो। कहा ना भूख नहीं है, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? जाओ तुम जाकर खा लो। बिना घर में सबको खाना खिलाए मैं कभी खाती हूँ क्या? पता नहीं घर में सबको हो क्या गया है,
किसी को खाने पीने की कोई सुध ही नहीं, ना बड़ों को और ना ही बच्चों को। गीता, तुम्हें मालूम नहीं है घर में क्या हुआ है। ऋषि भैया घर छोड़कर चले गए हैं। तो क्या वो खाना पीना छोड़ देने से वापस आ जाएंगे? देखो देखो, मैं मानती हूँ कि ऋषि भैया के जाने का दुख सभी को है, लेकिन इस तरह परेशान होने से इस समस्या का हल नहीं है। जब घर में किसी को खाने पीने की सुध नहीं है तो हमसे भी नहीं खाया जाएगा। क्या पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाएगा? ऐसी बात नहीं है प्रीति। देखना, ऋषि भैया बहुत जल्दी ही आ जाएंगे और जरूर आएंगे। पता नहीं वो कहाँ रह रहे होंगे, कुछ खाया पिया होगा या नहीं। गुस्से में इस तरह कोई घर छोड़कर थोड़ी ना चला जाता है। और जो घर छोड़कर जाते हैं ना, उन्हें अपने रिश्ते नाते, घर घर का खाना बहुत याद आता है। वो घर छोड़कर कहीं और रह नहीं सकता। देखना, ऋषि भैया भी जरूर और बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और वो घर नहीं आएंगे तो इतनी प्यारी प्यारी बहनें कहाँ मिलेंगी, बोलो। हाँ चलो, अब तो तुम लोग खाना खा लो और फिर सुबह तुम लोगों को स्कूल कॉलेज भी जाना है। हाँ चलो चलो चलो, उठो आजा। भैया चाय। आज आप बहुत जल्दी उठ गए भैया। उर्मिला, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, बस इसी तरह टहलता रहा। पता नहीं उर्मिला, इस बाप के हिस्से में क्या है। भगवान पर भरोसा रखिए भैया, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। पता नहीं ऋषि ऐसा क्यों हो गया है उर्मिला, एक फोन तक नहीं किया। एक फोन करके कम से कम इतना बता देता कि वो जहां भी है कुशल से है तो दिल को तसल्ली तो मिलती। पूरे दो दिन हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं। बस भैया, कहीं से ऋषि का पता चल जाए ना तो हम सब मिलकर रूठे हुए ऋषि को मनाने चले जाएंगे। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। यार, मुझे पछतावा हो रहा है अपने किए पर। नहीं भैया, गलती आपकी नहीं है। हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि ये सब अचानक ही हो गया। और भैया, मुझे लगता है कि अब अपने आप को कोसने या पछताने से बेहतर तो ये होगा कि हम ऋषि की तलाश करें। ऋषि की तलाश हमने कहां कहां नहीं की, कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। भैया, मेरा दिल कहता है कि ऋषि का पता बहुत जल्द चल जाएगा। और भैया, उसके घर आने के बाद ना, हम उसके सामने वो सारी बात भुला देंगे जिससे उसका दिल दुखे। दिल तो उसने हम सबका दुखाया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो किसी भी तरह वापस आ जाए। भैया, दो दिन से ऑफिस ना आप गए और ना मैं। ऑफिस से कई बार फोन आ चुका है। भैया, मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए ऑफिस हो आऊं। ठीक है उर्मिला, जो काम जरूरी है वो तो करना ही है, तुम जाओ। ऋषि कहाँ हो तुम? प्लीज लौट कर आ जाओ, प्लीज अपने बाप के खातिर लौट कर आ जाओ। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते ऋषि, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा।
अरे डरो नहीं बबुआ, हम तुमको खाना खिलाने ले जा रहे हैं बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, मजा आ जाएगा। हाँ भगवान, आज तक तुम्हारी आशीर्वाद से इस घर में सुख शांति बनी हुई थी, अचानक क्या हो गया, घर का बच्चा घर से गायब है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज भीख मांगती हूँ, मेरे ऋषि को वापस ला दो, कहीं से भी मेरे ऋषि को वापस ला दो, कोई ऐसा जरिया बता दो जिससे मेरा ऋषि वापस मिल जाए। भगवान, मेरे ऋषि को वापस ला दो। ऋषि,